आपका फटाफट ज्ञान में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई न्यूज़, जी हाँ वो भी सरकारी जॉब से संबंधित एक न्यूज़ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के पद के लिए भर्ती निकली है। अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2018 और योग्यता है 8वीं और 12वीं पास और आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायक पद का नाम है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और रिक्तियों की जो संख्या है वो है 53 पद। वेतन है 12,000 रुपये प्रतिमाह। पद का नाम है आंगनवाड़ी सहायक। पद की संख्या है 65 और वेतन है 12,000 रुपये प्रतिमाह। सेक्शन योग्यता रखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायक के लिए उम्मीदवारों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मैट्रिक, यहाँ पर ये आपका मैट्रिक है, मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए और यस के समक्ष होना चाहिए और आंगनवाड़ी सहायक के लिए 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आपको 12th पास होना है और यहाँ पर आपको 8वीं कक्षा पास होना है और न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। नौकरी का जो स्थान है वो आपको मिलेगा पटना और बिहार में नियुक्त किया जाएगा और मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। और आवेदन शुल्क यहाँ पर उन्होंने 0 रखी है, कोई शुल्क नहीं। उम्मीदवार आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति, मतलब आपको स्वयं सेल्फ अटेस्ट सत्यापित प्रति, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो ऑफिस है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 जनवरी। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2018। इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप अच्छी तरह से नोटिफिकेशन और विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आवेदन कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अन्य चैनल को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कीजिए।